गोविंद सिंह रे कंवर जल मियार पूरब भरियो कोड कान सिंह रे कंवर जल मियार हर बीरा मारे करी बबू तेरी होड। तो दादी बबूता सिद्धि होड करना लो इकल जुग में नखत मना दियो प्रगटिया चौथी पीढ़ी में पड़ पोता है बनता बड़े प्रेमो आरी सिद्धारी किसी प्रकारी रचना करी है मगरे में बीकानेर जिले में कोला तहसील में कैसी एक देखो सिद्धारी मेमा है आरी सिद्धारी लीला आज राजस्थान में डाणी डाणी और खेरड़ी खेरड़ी मिला भरा दिया सिद्धा मिति करा माते बनता तो कोलाय तहसील में गड़ियाड़ा गिरा छर आगे होली खेरी डोणी और सोणी खेरी डोणी रा मादल सिंह जी नाव जातरा सोणी की सिद्धार गांव रा जागीरदार ठाकर आ ठाकरा रे मान मर्यादा गणी इज्जत गणी जमी जागा गणी घेरे एवड़ गणोई उठारो गणाई धीणो गणोई कोई चीज री कमी नहीं भगता क्योंकि पहला ही टाइम में साच होती कूड़ कपट को होती नहीं जठे कूड़ कपट नहीं है नहीं बठे भगवान रो बासो और भगवान माते दृढ़ विश्वास करता। मादल सिंह जी जको ने लड़का गोमन सिंह जी जको ने प्रणय ने वर्ष 30 हो गया पर कोई औलाद को जन्मी नहीं वे टाइम में मादल जी मन में विचार करियो ले भगवान मारे गोमन री अगर टाबर नहीं होई तो मारी गवाड़ी खाली रह जी तुम्हारे गोमंद रे जे एक टाबरी हो जावे नी तो न्या लवा पण बाबे मादल सिंह जी मन में विचार करियो वर्ष 30 निकल गया और भगवान ने देणो होतो तो दे देता पण मैं मने ठा दे कोनी कई उपाय करा वेटे में मादल सिंह जी विचार करियो अजमाल जी द्वारका पुरी गया हर द्वारका रे नाथ मनोकामना पूरी करी तो हुई द्वारका जायो तो पहला टाइम में द्वारका जाता नहीं जने हुतुड़ो ने छोड़ छोने निकलता। आजकल तो फेसबुक माते ठेठ तो फोटो चाड़ता ही जाए गरन ठा पड़ जाए टुरे कौन जी कहो पहले ही क्योंकि दो दिन पहले ही चार दिन द्वारका जाऊं आर माधव सिंह जी गांव निकलिया पछे मार्ग में के नहीं हमाचार कर दिया के गाणी में कह दी गो द्वारका गयो गर्रा होश नहीं करे मादल जी द्वारका पुरी जावे और द्वारका रे महीने नावन करे द्वारका नाथ रा दर्शन करे और द्वारका रे महीने एक दोनो तपता जोगेश्वर बाबू मिल गया और मादल सिंह जी बाबे ने देखियो बाबे री लीलाड़ी चमके और विचार करियो माड़ा फिरनाड़ो हाथ छोनो ही को रे नी और बेटा देज ने कहा तो कोई धुने रो धनी दे का कोई माड़ा फिरनाड़ो साधु दे अरे करे हारूरी बात कोनी क्योंकि काल जे काजुड़ो हाथू जुए वो वचन दे देनी तो भगवान रा वचन ही भगवान ने मेरा वचन पूरा करना पड़े क्योंकि भगवान कनु वो परमात्र खतर माड़ा फेरे आप पर खतर को फेरे नहीं। तो बेटे में मादल सिंह जी जार खने उबा बाबे पूछियो भाई किसो गांव है थारो बोले बाबा गांव तो मारो होन खेर डणी है बीकानेर जिले में कोला तहसील में गड़िया लगेरा छ रखने है नाव मारो मादल सिंह है जात रो छत्री हूं और बाबा गांव रो जागीरदार ठाकर हूं। बोल भाई मादल सिंह कहीं चाहिए मादल सिंह जी के बाबा मैं हुई है के मिनखा जुड़ी में आप रो अगर गुरु दी करे नी जन भी रो जन्म को हुदरे नी क्या के गुरु भी ने माला फेरता गुरु भी ने देता दान गुरु भी ने दान हराम है कहता वेद और पुराण जिते मिलक गुरु धारणा नहीं करे नी जिते दीउड़ो दान आडो को आवे नी और करियुड़ो धर्म ही आडो को आवे नी तो बाबा हूं माला फेरू जकी मने था आडी को आवे नी के बिल्कुल सही बात है भैया क्या के कंवारी किन्या कंवारी किन्या ने कहीं था मारे मोटिया रो हबाव केड़ो मारे हासू रो हबाव केड़ो खुश रे हबाव केड़ो के क्या के बात तो कंवारी है अजय हास रे जाई जने बिने ज्ञान होई पर जिसी प्रकार कंवारी किन्या हुए जिसी प्रकार गुरु बिने आत्मा है
आरा नवनरानी दे जकी कुंवारी भाई और गुरु शब्द देना हूं माला फेरुड़ी आडी आज और दान करीडो आडो आज वे तो माधव सिंह जी के बाबा मैं आईडो एक गुरु शब्द दी दो थे बाबे माथे ऊपर आदर के माधव सिंह राम नरेंद्र नटिया जाई थारो बेड़ो पार होई के बाबा आयो बेड़ो पार कोवे नी तो का करो भाई बोले बाबा मैं हुनी है के बेड़ो पार जद होए के गुरु एक दिन सेवा रो मौको दे और थे माने एक दिन सेवा रो मौको दे दे होनी तो मोरे बाबा जलम हुदर जी और मारी डणी में थे जे यार कुल्लू थूक दे होनी और जे मार करो अंजल कर ले बाबा दिन घड़ी दिन भाग यूं बेसी मोने कहीं कोचई जेनी बाबे कह माधव सिंह अन मने टेम कोनी पण कणी फुर्सत री घड़ी थारी ढाणी जरूर आऊं भाई तो देखो भक्ता किसी प्रकार बाबे वचन करिया और वचन निभावण खातर बाबे ने बीकानेर जिलेर महीने आणो पड़ियो और माधव सिंह री ढाणी आ गया और चौमासे री टेम होती और भावदूरो महीनो और नंदन बाबो द्वारका हूं कहीं देखो कोलायत आवे है और कोलायत रे महीने चोखी तेरे नहाण करिया दुपहर रो दिन तप तोड़ो तावड़ियो और पहला री टेम में साधन तो कहीं होता को नहीं पगोड़ो झातन तो और मेहनत करता पेंडो करता नहीं जकर रोग पीड़ाई नेड़ी को होती नहीं बूट की लुगाई होती नहीं जिकी मेहनत करती दिनों के बखावट उठती गटियाड़ो तारो उगती नहीं जिक टेम भट गटी मोन रे बैठ जाते और गटियाड़ो तारो उगतो डादड़ी में ले बाजरी 10 किलो बाजरी पीस लेते 10 किलो आटे रे रोटे पो लेते और 10 10 टाबरी हाम लेते 10 10 गाय हाम लेते दिन भर खेती कर लेते हर बार कदी ब्लड प्रेशर को होयो नहीं ना कदी बीपी आई होई क्यों बाप रे ना कौनी टीम को तीन कण होती बीपी आई ना थोड़ी कमिटी नहीं मोरी और जेके उम्र पूरी ले जाता 100 वर्ष 200 100 दो वर्ष ऊपर ही लेता 100 नीचे को रहता नहीं क्योंकि खरी चीज खावता और मेहनत करता जकोरी उम्र वदे भाई अने मेहनत कोनी जने 36 रोग शरीर में वापर गया रोटी पचावनी गोली चाहिए जे गोली नहीं ले तो गैस हो जावे आर कई कई के महाराज हमें जागना कहीं हम आजकल महाराज गैस भरी जे अरे भाया एक दिन गैस भरी जी जिकटे में जमरा दूत छाती मत चढ़ी नहीं जिकटे मो गैस कट कर जाए बना टूटी जाओ तेरा भगवान ने भजनो गैस मिटे गैस हुए कोनी तो किसी प्रकार भावदेव महीनो चौमासे री टेम और बाबो झोली कमंडल ले बगल में और माधव सिंह री ढाणी खानी कोले तो रवाने वे और शाम री टेम चिलको दिन और किसी प्रकार बाबो पहुंचे और कहीं माधव सिंह री ढाणी में बाबो आवे अरे दिखनी दरसु बाबा अरे आयो अरे जोगी शरीरे वो अरे शमी अतुणी दराने बाबो Yes.
मन में विचार कियो कातिरो मेलो आवे कोलाय जान हमियो भाई हमें कोलाय थमियो तो मोटी देकर कमल खांदे गाली आ लुगाई विचार कियो आज आ कमल ले हिदर जाओ के मेले जाऊं। अरे मन जोगड़ा मेले तो जाओ चोखी बात है पण मेले में आ कमल की गमार आवला टिंगर हियो मरे ला के थारी सोगन को गमौनी होगन खावे ठालो बलो चढ़ावो खावे जियो। अरे गेलो थारी सुगन गम जी के नहीं थारी सुगन को गमाउनी आ लुगाई के जे गमा दीनी तो पति देव हूं थारी होगन खाऊं के घर में मिलक मरे जीती राड वेला देख लिया और घर में बिघन वेला बोले हूं गमाऊ कोनी तू माने चटियो मती पड़ना भाई उल्टो कर ब्रो ले कमल गयो ब्रो आमे कोला इतरे मेले में फिरे हम और भाई दिन भर कचोड़े खवे कणी समोसा खवे कणी मिर्ची बड़ा खवे कणी भी तो बूंदियों लड्डू खवे फिर उपो टोकड़ी सरे जा सरे दिन भर चरियो रात पड़ी जने वैम करियो दिनों के बड़े फिर आर घाट माते जार हूं तो कमल ओट परो आर कमल ओट परो हूं तो चोखी नींद आई आधी रात ने मिले में चोरों रो घाटो थोड़ी ओले एक माथो खेल उतारी कमल उतार पर और भाई तो लेर पार होयो के हजार बार से फायदो होयो जेड़ो चोको हमें कमल उतार गयो नी का भाई रे बखा ठरिया विचार की बेटू ही को कर लागे आंख खुली और कमल गायब भाई रे डुडे उतर गया तर थरो मुंड बड़े कमल कोई ले गयो और ले गयो और हमें गिरे लुगाड़ की लड़ी माथा फोड़ी होई भाई रो मुंड उतर गयो हमें दिनों के मेले में फिरियो कोनी गो हमें टूट गयो हमें गांव में कई कोई ताडे माथे बैठा बटिया काटे कई डोरिया काटे और पूछियो रे भाईडा कोला इतरो मेलो केड़ो और भाईडे के डड 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 भाई रे भाई कोला इतरा मेला वारे वाह कोला इतरा मेला भले मन को भिड़ो यो पछे अरे भले हमके उठारू रो बड़े दर पछे ओडार पिल्लोण रे भाई रे भाई कोलाय तरा मिला जबर मिलो भरीजो भाई रे भाई कोलाय तरा मिला भले मन को भिड़ो यो रे भले मन को ने हमके कामणो गमी है ड ड ड ड यो कर ठेठ बाण ने रखने आयो लुगाई पूछियो राते मेलो केडो को तो डावड़ो के थारी कमी होती मेलो कोई भरीजो भाई रे भाई कोलाय तरा मिला वारे वाह कोला इतना मिला जबर मिलो भरीजो भले मान को मिलो यो अरे भले मिल खोरी हमके कामलो गमी है हालू गई के वो थोड़ी कमल कटे के अपॉइंट तो मन ते मिले गमगी अरे थाने रोलो बेरी अने थाने कहने कमल गमार मरो के हमें रोला मती करनी बापुड़ा हाथा जोड़ी गमगी गमगी तो हूं तो मारे मुंडे क्यों कोनी जेके जे नहीं बोले नी कंजू सही करे नी जकोरा बूटिया गम गया नी तो भोपे जी ने ओल बोमती दिया ना कोई खे भाई मिंद्र गया जना गमगी बड़े सिद्धार्थ सुन के महाराज की और जो को चैनल चले है नी और यूट्यूब चैनल है बोलो पूरो राजस्थान देखे ला है जिटे में भजन यूट्यूब में चढ़ी जिटे में एक बार जो दोनों हाथ
धनी रामी उठा परा हाथ जोड़ जोरदार जयकार लगाए जो हमके तार जी थोड़ो सीन लिया हगड़ो जेरो हगड़ बाजे जे टाइम में जोरदार बोले सिद्धा सुन के महाराज की बोले कुंदू सरदाम की हां इने के चेतना जागृत तो ऊपर और जागण होने नहीं जने जागण वाण दे नींद ने कई जना के मरने के नहीं रात काली करनी जरूरी है कोई तो घेरे जार की और रात धोड़ी करो और रात तो काली दे जा जठे पण आ देवतारी नारी रात बड़ी अनमोल है आ मिले कोनी तो उन टाइम में चौमासे री टाइम होती बाबू माधव जी री ढोणी जावे हमें के दिखनी दरम आयो जोगी से रात होनी धरती ने जाय भर भावदी में आयो जोगी सर भर चौमासे रे मोय चौमासे री टाइम होती और बाबू चिल के दिन शाम री टाइम में भक्त माधव जी री ढोणी जावे और शाम री टाइम होती गयो री दुआरी टाइम और माता भिड़मल हाथ में गुणी और खंदे नेजनो आर टोगड़ियों छोड़ गाय दूर ने खातर जावता आर बाबे लो करियो के भाई माई जे कोई ढोणी में तो थोड़ो बाद ही जलावन एक चिलम बर्फरी पियो वेटे में बाबे रखे नहीं लो हुड़ियो कोनी बाबो ढोणी आ गया आर बाबे रो विकराल रूप मोटी जटा मोटी दाढ़ी और डागम पर वेश बगल में मोटी झोड़ी गलोड़ी हाथ में कमंडल चिपट लियोड़ा और ढोणी आ गया रे लो करियो भाई थोड़ो बाद ही जलवनी भाई चिलम भरपरी पियो और बाबे रो रूप देख और गावड़े जवे समीचुड़े जवे खुटोरे ऊपर कर बना उठे जाओ तेरा हर लुगाई ने भक्तों दूध पूती प्यारो होया करे त्रिकाल समय री टेम होती और बाबे ने देख गायन चमकीनी जिक टेम बाबे ने माधव जी री बेटी री बहू गोमन जी री बहू माता भिड़मल बाबे ने देख रे केरे बाबा पड़े थारे माथे बिजली खवे तने बासक नाग थने देख रे डोकरा मारी गायन चमकी है छोटे बाछड़ी री माई बाबा दो मिनट ठहर आ जाए तो थारे कोई बठिंडाली गाड़ी चूकती बेटी रा बाप जे घंटो एक ठहर आ तो दुआरी कर लेता थानी दूध री चाह पा देती हमें गावड़े चमक रही है कोई कठे ला दी कठे नी ला दी बाबा थने पेड़ो पिए बाबो के भाई मैं बादी मांगी होते हो रिपिया को मांगिया नी और ते मने गाड़ काट दी तिरकार समय टेम बाबे के भाई मने नाग क्यों खावे सर्फ खावे थारी औलाद ने वेटे में गोमन सिंह जी बोल के बाबा मोहने पनी जो ने 30 वर्ष हो गया अजय बनो पनी दो ही जो औलाद है ही कोनी खाई कने ओ तो बाबा तनी खाई बाबे विचार के लिए रोला दिया अपर रोंग नंबर ला गया माधर सिंह ने ढोणी कोनिया जे माधर सिंह ने ढोणी होती अपर आवादर इज्जत होती पण आ ढोणी कोई ओल पिचोले तवेटे में बाबे ने बचन के तो बाबे के भाई बचन तो बेगिया सो बेगिया औलादी वेला सरपी डसेला वेटे में गोमन जी बोल के बाबा चुपचाप रवाना हो जाने बांस मार लो दो चार तो बाबे आपरा झोली कमंडल बगल में लिया और मी अंधारी रात बिजली पड़पड़ाट करे और बाबे झोली कमंडल हामिया है और बाबो रवाने हुए जिक्टे में गौरा कई मीने गाड़ा फिरिया विचार करियो बाबो है साधु है बापड़ो कठी भींजी में अंदर ही रात है तो गांव राडा फिरे और बाबे ने के बाबा आगे हिदर जाओ थे बोले भैया जिके गांव में साधु री कदर नहीं हुए भी गांव में ठहरने में सार कोनी बिरा बोले बाबा बठे नहीं ठहरो तो मोरे ठहर जाओ के नहीं भैया तो बाबे ने गौरा कई के वे हाथ जोड़ अरे स्वामी रात अंधारी बाबा मर गई यो न सुजे रे मनोनी अरज हमारी रे आए रात अंधारी जोगिया Oh,
सत्संग में जागरण में थोड़ा बैठना दूरो है। तो बेटे में बाबे ने गोरा मना करे के बाबा रात अंधारी है, गहरी बिरखा मंडियोड़ी है, बिजली पड़पड़ाट करे, जे मार्ग में बिरखा आ गई बाबा तो मगरेरी भौए थाने मार्ग कोला देन रात रात रहने दारी बाबा मार्ग ना सूझे जिरमिर बरसे में अंधारी रात है। अरे ओ मगरेरी भौए बाबा कटी मार्ग डफली जाओ थाने लादे कोनी बाबे जोड़ी कमडल ले लिया बगल में जोगी जफड़ियो जाय मार्ग पे तो बिरखा आ गई बाबे रा जोड़ी कमडल भींज गया जटा भींज गई जुनो जोगी झरझर कंठो वे अरे ने माधव जी गोमन जी खेतू ढोणी आवता आर भी बिजली रे पड़के हूं बाबू आओ तो दिखे माधव सिंह ने माधव सिंह के बाबा गोमन सिंह बाबू द्वारकार में ने मिलियो जो को हागी है भेड़ा आगे हिदर जावे हाल पूछा तो करी बाप बेटो बाप और बेटो दोनों खाता खाता जार हमा फुरे जार बाबे ने जार पूछियो बाबा हिदर जाओ माधव सिंह जी पगे ला गया गोमन जी पगे ला गया माधव जी के बाबा आगे हिदर जाओ बोले भैया माधव मैं तो थारी ढोणी जाऊं भाई तो माधव सिंह के बाबा मोरी ढोणी तो लारे रहेगी आगे ते हिदर जाओ तो बाबे के भैया लारे रही जी की ढोई में एक अबड़ा भी गालो काटे गोमन जी के मरा लोगे तो मारी है पर भोली है जे कहीं कह दियो तो मोन माफी दो बाबे के भैया पहला गालो काटे और पछे माफी मांगो बोले बाबा कह दियो ला कहीं हर दिन बजी टेम होती और गायां दून खातर जावती मंठा है के हां मने देख गायां चमकी तो बाबा गावड़े चमकी जन लुगाई खने तो अंठा है के दूध पूत है जिकर खातर तो राड कर ले और जे थाने कहीं कह दियो तो मोने माफी दो अर्थे ढोणी आलो बाबे के भैया भी ढोणी में तो हला कोनी क्या के भी ढोणी में तो जाई जे के ने सर्व दर्शी माधव सिंह जी के बाबा साधु शब्दा पर खेर भिखो पड़िया घरनार आरसुर ने जदी परखिए जोरण बाजे तलवार थे मोने वचन दिया बसनो रो कोई होई साधु वेज करे वचन अटल वे कदी झूठा को जावे नी अर्थां वचन दिया के हालू अर थारी ढोणी आऊ तो बाबा थारा वचन जे झूठा निकली जन साधु सन्यासी रो वचन तो हाचा हुए बोले माधव सिंह हाल तो जाऊं भाई पण थाने तीन बातों रो नियम लेनो पड़ी बोले बाबा दे दो बोले एक तो थारे घर में दारू और मीट कदी नहीं आवे बोले बाबा मौतो बपराई कोनी मोने ठाई कोनी केड़ी हुए क्योंकि मौतो भगवान री माला फेरी और बाबे कह भाई माधव सिंह एक जे कोई ढाणी ने मिनख आ जाओ नी मेरो आदर किया करो क्योंकि मिनख मौन रो भूखो वे भोजन रो भूखो को वे नी अगर मौन आछो कर ब्रो बाजरी रोटी माते मिर्चों गालो नी तो भी घी जेड़ो काम करी जी हाथ मिठाई जीमा पर और ऊपर ठोलो राखे नी जनो खाने में खानो को नी आगे कोई गाडालो जातो हो और बाणियो कोई मोटो टेंट लागोड़ो जीमणो तो माओ बाईडे जानियो कंदो रोटी खने है पने ए कतलेर ए जीवन तो कदी जीवन मिले ही कोनी ई भीड़ भीड़ जे पे दूसो मसाला तो कोई ठा पड़े याने पण वाणी अपना लखोर होए ओल पिचोलो आदमी जवन ने बस ध्यान रखे बेटो आदमी अपन भीड़ तो कोनी हमें जीम पिन उठान वही को सके नहीं क्योंकि धमे कतली वाला धमा जवे बन्ना करता जवे कठे हेता खणे बैठो भाई जी में विचार के रुड़ा दिया कतले तिने जवे जफीड करते आर का एक जने ने खन राग दी उबो के हेलो करी मती ने उठानी मती ना ये चोटी लंबी है जाल ले उठी नी जन जाल आ पूछो कठो आयो तो हमें जीव तेरी चोटी जली जली विचार के लो कपड़ी तो गया
तो हमें जीवन में कमी क्यों रखो। धा पर कतले खाए उठन लागो नहीं दिखती चोटी झटको दी बोल इधर जावे चोटी खोज ले का भाई झटको देर उठियो को चोटी हुई रात नहीं रहेगी। बोले देख आ चोटी बोले हेठो कतले खेड़े बड़े आजी थई राखो आ तो घरी खेती है पर कतले रोजीन थोड़ी मिले चोटी पाची आजी आ थे राख लो भावे के भाई भी डोई में जबे जिकने सरपट से है और भी डोई में जार करूं कहीं बाबे ने पग जालिया हाथ जोड़ी करी बाबे ने मना माधव जी गोमन जी पाचा होड़ी खेर ढोनी लाया अमे लावे और बाबो ढोनी हामी देखे आंखें कटे मोटे मोटे के ना भाई भी ढोनी में ना गाय तो माधव सिंह ने कहा भैया हूं तो ये गायों री गवाड़ है अठे घणी गऊआ में से और गऊआ में से नहीं अठे दोनों गाल रबेसू भाई तो बेटे में बाबे होड़ी खेर ढोनी धूणो लगायो बाबे नाडियो खोदे नीमरो पेड़ लगायो और दुने माते बाबे तपस्या कर लगा और बाबे हमारी चढ़ाली बारे वर्ष तक बाबे हमारी खोली कोनी और बारे साल तक माधव सिंह जी बाबे ने तन मन धनु सेवा करी और बारे साल बाबे आंख खोली और माधव सिंह जी सेवा देखकर बाबो मन में राजी हो गया के दिनिय वागे भैया माधव सिंह तन्य दिनिय वाजे ते बारे मेना तई नहीं पूरा बारे साल कर दिया और ई दुने ने चेतन राख्यो दिनिय वाजे तन्य दिनिय वादे हर बाबे दुने में बबूती लेर चिमटी भरी और चिमटी बबूती लेर के ओ ले माधव सिंह आ बबूती थार बेटे री बहू ने दे दई थारे नवे महीने पोतो जलमी जी केरे नौ बबू तो रखा दई गोमन जी खनी उबा के बाबा देवण लाग्यो जे हमें एक रो काई तो दो थोर कन बेटो रो घाटो थोड़ी है दो चार एक दो नी जको पड़ शरी ठापड़े केरी ओळ बलाई केरी सेवा से लाई रो सके केरी तो बेटे में बाबे के ले भाई गोमन सिंह दारी 50 साल की उम्र है पण थारा चार टाबर होई पहलो जन्म ये बबूतो आर दूजो जन्म ये शेर सिंह आर तीजो जन्म ये नरपर सिंह चौथी जन्म ये शिंगारा बाई जिके थारो आंगनो कमारो रे कोने तार थोड़ो सी आवाज खोल दिया तो बेटे में बाबे पचन दिया और बाबो बठो रवाने वे तो कवि लिखे है कि विक्रम संवत 1911 में बबूता सिद्रो जन्म होयो हर कई किते वर्षों माधव जी ढणी में पोतो हुए तो रावड़ी कोरड़ी में कई हर कोड मनावे हर कई सख्या मंगल गवे और कवि कवि कल्पना करे हर के चननी चबद सरो सिद जलमाली और सीधी बाजारे Yeah.
श्री नखद बना के जिसी प्रकार रो प्रसाद लियो ने ज्या चेहरा भीड़ को बाजे का तो कटी कटी थोत रहेगी थोड़ी थोड़ी का बेह रहा हूं हेंगो नहीं क्योंकि मारवाड़ में नहीं आप तो अठे जे महाराज ने बुलावा तो कहो भाई नुए घर रो हमायत करावा हमायत कराओ भाई दे पर इन्हें हरियाणा साइड में हमायत ने न्यांगल के न्यांगल करावा एक जमींदार ने कोई नुए मकान बनायो और जार बामन दादे ने पूछियो दादा पक्का लागू बोरे दादा जार दादे ने कहो नहीं का दादे ने लो करियो बोले दादा पग्गा लागू बोले बेटा खुशी रे आ भाई जमींदार कुकुर आयो बोले दादा न्यांगल करानी बोले न्यांगल कर दिया भाई न्यांगल कोई काम ही आमण और काम ही के कर दे होगे बोले कर दिया बोले जमींदार पटियोड़ो वगैरह बोले दादा घणो ही पटियोड़ो मंत्र मंत्र बोल दे के लारे बोले हां बोल दे क्या मिली भाषा ही अटपटी तो दादी विचार करियो के जमींदार है पाठ रो समान कहीं ढंगरो ही लिखा ठीक रहे तो दादा घरे ही हाल जो बोले हाल भाई घरे ही हाल जमींदार यार दादो समान लिखा है बोले जमींदार है बोले हाँ दादा बोले लिख ले 2 किलो घी भाई तो जमींदार लारे बोले दादा लिख ले 2 किलो घी ले भाई जमींदार लिख ले 2 किलो खोपरा दादे जोट जमींदार के हाँ दादा लिख ले 2 किलो खोपरा बोले 2 किलो बिदाम लिख ले बोले दादा 2 किलो बिदाम लिख ले बोले काजू लिख ले बोले दादा ला काजू लिख ले दादे विचार करी रो तो कुएं में कबूतर बोले जो हणे लारे बोले ओ देर कोई नियाल कर खा दादे ने दी सही उब और एक थापरी दिली जमींदार विचार करे न्यांगल में कोई कमी नहीं रे जे बोई उब और दादे दो देली हगड़े हार होया आपस में चटापटी हार चटापटी होया तो कालर जालीर कई चोड़िया झालिया रे हां मारा भाई चटापटी हुआ तो चोड़ो फाट के रे आपस में हमें लिटना हरू या कोजी तेरे रे लिटिया आंगणे में लिटता लिटता ठेड़ पाखड़ में गया अपरा जमींदार लोग ही विचार करियो रे डील में करार हो दोनों रे टोंगड़े झाल ठल रे आंगणे में ना के बारे नांगण आंगणे में करनी है बारे के बाप को सिर फड़ो मां जाओ दोनों ठल रे पाछा मोह लाया दादो छोड़ा रे लिट दौड़िया तर थरो गोंड बड़े केड़ी नी अंगल होई दमा भाई जमींदार जार कुर्सी मा बैठ परो के हे रे नी अंगल दोरी भाई लुगाई के सुनो के बोले के है बोले दादे ने बावड़ा रसोई कराई कोनी बोले दिया तो घर ही तो गयो है दादो के दौड़ गयो दादो तो उपलो लियोड़ा लार बैठा बेचार के जी लार आए तो एक तो जरपाई दिया लुगाई डिगी होती भीतर मात करी के दादा बोले हां बोले रसोई करी कोन के माथे रेड़ दे उनी उनी खीर होती है जी माथे रेड़ी माथे रो दो लोग रो पिंदो जो करना की उबड़ी दो उपड़ो जरपाई जार लुगाई के बोलो सुनो के बोले हां बोले न्यांगल तो दोरी है पण दादा ने रसोई पाऊ दोरी है निकल के कड़ मा दे तो देखो भाई बैठो रे कड़ाई दुखी गेसी भरी जी सब होई पण जठे बैठा हो बड़े धनीरी नावरी जेकार लागे बड़े रोग पीड़ा दोष नेड़ई को आवे नी बोले कुंदु सिर धाम की हावे के चांदनी चबदर सरा सिद्ध जलमिया बाजा है सोवन थाल सोनेरी कटारी नाड़ा मोरियार कोरे कुंडा करिया है स्नान आज गोमन सिंह रे कमर जलमिया पछे दिन घड़ी दिन भाग मादन दी फूल माला लाई और सखियां गया है मंगलाचार भरियो मोतीड़ा रो थाल बुआ जी घर जोशी जी रे जाय अरे जोनी जूना जोशी टीपणा देखो थारा वेद पुराय कई घरिया में बालक जन्म लियो और कई नाम धराय हे जोशी जी महाराज टीपणो देखो तो जोशी जी महाराज देखकर बोले भाई बड़ी शुभ घड़िया में जन्म लियो रो नाम बबू तो धराय थारे सोण की कुल रो नाम अमर करेला इरो नाम बबू तो रखाया तो बेटे में बुआ जी कोड करे बोले और कहवे भरियो मोतीड़ो रो थाल बुआ जी घर खाती जी रे जाय अरे घर दे खाती रा बेटा पिंगो पांदरो कंवर झूले लो झूले माय रेशम गिरी तिमिया हिंडो मोड़ डाडर मोर पपैया कोर सरपोरो जोड़ो कोर आछो पांदरो गढ़ और रावड़े ला भाई तो रावड़े ने पांदरो लेन पहुंचे और बबूता सिंह ने पालने पोड़ा और माँ बिड़मल कई बबूता सिंह ने लाड़ लड़वे और कई बबू तो मोटो वे कई बात बने
दिन बढ़ता जब बड़े बढ़त बढ़त बढ़ जाए आपो समायो श्री राम सुने की बर जो बन रे मां पांच बरसाना सिदी अरे होया सिदी सोने की रे ओ सिदने माता दिला दिला डीजे साउंड सिंध ग्रुप रिकॉर्डिंग करता ताराचंद जी सोनी गांव सिंध ग्रुप आज भी भजन संध्या गांव गोंदसर नखतमनारी धाम एक श्याम नखतमनारी के नाम पुजारी गादीपति प्रेमनाथ जी महाराज और गायक भिखाराम जादरा गुरुदेव सीताराम जी पंचारिया दौलतपुर भाई स्वरूप प्राणा गांव दासुड़ी और पेड़ बजावे भाई सवाई जाजड़ा ऑर्गन प्लेयर भाई आनंद श्री बालाजी बनारी नासपुरो बोले गुरु सरदाम की और सिद्ध श्री नगर बनाकी और सत्य दरबार
बोले कल्याणा डी रे श्याम की तो उनते में के पांच वर्षों रासित हो या माता बिडमल लाड लड़ाई दस वर्षों रो बबूतो योर गेंद खेलने जाए तो दस वर्षों की उम्र में बबूता सिद्धि महाराज सोनी कहनी डानी छोड़ आ ठाकर गोमन सिंह जी आप रे सासरे गांव चारणिया ने बसिया हर बबूता सिद्ध नानना में मोटा हो या चारणाला बबूता सिद्ध ने नानना हो बिडमला में और नानना भी मोटा हो या अठारह वर्षों तो कवि लिखे के विक्रम संवत 1929 रे महीने आथुनी कांकर में काल कुश मेरी टीम तीर कुसुम पड़ गयो हागिड़ो और कुश मेरी टीम जिकेरे घर में दन पशु एवड़े जकवारे लिए कुसुम दूरो तो ओए टाइम में गांव रा मिनक बुढ़िया बडेरा बातों करे भाईडो हमके वर्ष दूरो निकली क्या के नेड़ नेड़ो पानी को है नहीं और ना कोई चरने घास है जिनवर मरी मरता जके में कोई फर्क नहीं है वेटे में बबूता सिद्ध आपरी कोरडी में होता और कोरडी में होता ने हुपनो आवे और कलिया नाडी माते पिंगो पानी और धमन घास देखे और धमनियो घास देखे हुए टाइम में उठिया नी जने आपरी मां बिडमल ने कयो के मां मोने एडो हुपनो आयो है के कलिया नाडी माते पिंगो पानी गणोई और चरण ने हरियो घास गणोई और जे थे मोने हुकम दोनी तो मैं एवड ले पर नाडी बुआ जावा मां बिडमल के नहीं भाई तने जाने जरूरत कोनी बबूता अपर आली बार दी गणई बैठा ही मोचा तोड़े कोई अणी कोई जानी आर बबूता सिद्ध के नहीं मां धनिया पीने धन होना है एवड लेर तो मोने ही जानो पड़ी क्योंकि पहला री टेम रे महीने धोरारी धरती में न्यार घना होया करता उजाड़ कर देता एवड में और जे एक न्यार बढ़ गयो नी तो जिनवर मार दे आर हड़ी एज के निर्भय और हो जाओ पर धनी ने निर्भयरी नींद को आवे नी तो मोने एवड लेर जावण दो तो बबूता सिद्ध सुबेरी 4 बजे री टेम और संगलिया साथी जका ने इलाक रहे और कहीं घर घर में गट्टे मंडावे और कहीं संगलिया साथी जी का खातर बबूता सिद्ध इलाक कर पर कहीं अमल गाले है अरे पोरे ने जदर के सिद्धी अरे हेलो हेलो करियो सिद्धा हर कोई बैठो रे जाज में डाल दियो रे होरे नजर के सिदा ये लो करियो बैठो रे जाज में डाल दियो रे भाई ने बत्ती जाने सिखिलो ने किलो अमल टकोरा
डलियों पर डलियों सवे रवड़ झवड़ करी मनवार हेगलो ने अमलरी मनवार करी सगले साथिया पूछियो कंवर जी आज यहां अंदर अंदर भेड़ा करिया रमल गाड़िया कोई बात है बाबू तईद कह भाई आज थाने इवड़ ले पुरो और मारे हाथ नाडी आलो है केड़ी नाडी के काली नाडी कहीं है बटे के धमड़ियों गास गणई है नाडी पादर पानी में भरी है चार महीना होरा निकली संगलिया पूछियो अरे किन बताया था ने पानी पादर और किन जी बतायो हरियो घास मामे जी बताया पानी पादर मने काके जी बतायो हरियो घास रात सुते ने सपनो आयो कलिया नाडी दीठो धमण घास आर सपनो आयो कलिया नाडी माते धमणियो घास गणोये आजकल तो टेम एड़ी आ गई के धमणिया घास है जकर नो ही भूल गया लोग क्योंकि अड़ाओ खेती बंद होगी मशीनों खेती होने लगी घास फूस हो चुको जमीन में तो निवड़ लागियो पहला मुना बंदी हेवन होती भूट गणी हो तो बिक्रियो गणोई दखड़ो गणोई कोठी गणी हमें दखड़े ने जोने ही हुआ दखड़ो आज पोरे चंद्र के लोग करे और घर घर में गटिया मनाई आटेरा भरलोनी रे भाई बादड़ा पानी री लोरनी ले लो साथ आटेरा थेला भरलो आर इवड़ तैयारी करो फटाफट आलो तो वे टेम में बबूता सिद्धि महाराज सुबह सुबह री टेम में तैयारी करे है तो इन्हें बबूता सिद्धि बहन सिंगारा ने ठापड़ियों का भाई इवड़ लेर नाड़ी जावे है तो माँ जाई बहन होती छोटो भाई शेर सिंह इन्हें मामी प्रियार बरजे के बबूता इवड़ लेर नाड़ी मत जाना बबूता सिंह ने भाई सिंगारा आड़ी फिर परी कहीं हिला करे कहीं बरजे भाई ने हरे बिरा बररे बुद्ध बररे बिरा मरई धन्य भर ले रे जो मन ली गई
श्याम की। तो भाई श्रृंगार आडी फिरे भाई रे के काली नाडी एवड़ देर मत जाना भाई के क्यों भाई के बार बुधवार है और बुधवार ने हाथों नो गोत्रो नहीं करनो बाबू तो सिद्ध के भाई मरनालो मंगलवार गिने कहीं के को गिने नहीं तो जिनावर मरी जन बार देख मरी गई तेसा मर पर बुआ जाई तू मंगलवार बुधवार करिया जाई भले तो बेटे में के भाई डावी कोचरी बोले किनिया कमारी खवे छींक सुगन पलो खोटा या मोल ने मारा वीर बाबूदा सिद्ध के भाई सुगन एन कोई बात है आर मां पिड़मल बरजे मम्मी सा बरजे भाई शेर सिंह बरजे उंडी डेरिया में एवड़ टोर लिया र धोरो धोरो में कौन गेवाल उंडोड़ी डेरियो लागे डरावनी थाली बोली भी धोरर महीने तिंद्रो आवड़े कोनी तिसम मर मरजे आदमी नड़ो पोणी नहीं और उंडी डेरियो मिनी एवड़े टोरिया और संगलिया साथियों कयो कंवर जी काली नाडी माते अरु कोंटो गणो है और पीउनिया नाग गणाए जे कोई जात ने हुतो ने नाग पी गयो जने बाबू तो सिद्ध के जे घेरे बैठो नी खा गयो जने होन हर कर्म गति न्यारी जो लिख दिया विदाता लेख रति न जावे खाली जो विदाता रा लेख है ने कोई टाल को सके नी भाई और जनावर ले रपो हालो देखी जाई तो बेटे में कवि लिखे चरता चुकता एवड पहुंचिया और पहुंचिया कल्याण नाडी री पाल काली नाडी री पाल चल के दिन जिते में एवड पहुंचे वेटे में धोरा में धमनियो घास देखियो है और जिसुर हो गयो कड़िया कड़िया होनी हेवन उबी कड़िया कड़िया होनी मुट उबी और जहां देखियो लीलो घास और जिसुर हो गया कंवर जी नियाल कर दिया नाडी मीठे पानी भरी है और चार महीना कूद कूद रे पा इवड़ तराओ तो कचरो नी उड़े कोनी। अबे श्यामरी टीम होन लगी और बबूता सिद्ध के लो मिली हमें बाइडो फटाफट दुआरी करो तो इवाड़े खाने ताटो या करे पितलो चौकी तेरे दुआरी करी और इवड़ाला भिड़ा और बैसे नहीं खीर बनाओ देने अपर तो हलवाई बनाओ जिके में चावल घलेर रंग घलेर बिदमो घलेर तरह तरह री किशमिशो घलेर पण इवड़ाला खीर बनाओ देने बाजरी रो आटो घाल और एकदम काठी काठी खीर करे घेटा टसकन खीर हो या करे जे पटियो लिखियो मिने खावे नी तो तुरंत ही डॉक्टर संपर्क करनो पड़े पण लखदा दे और बारे शरीर में भगवान री कृपा है हमें जीम जूट सीधे बैठिया करियो मन में विचार अंदरो पड़ियो और चंद्रमा उग गया और कहो रे बेलीड़ा एवड़ तो बड़ो बड़ी धोरा में चरे है और अपा काली नाडी रो उजलो धोरो है आओ नी बाईड़ा कबड़ी रमो बिलो बेजी बातो रे जी कई भरोसो रे शरीर रो रात रा रमता देखा दिन के बलता देखो ठोकर लागे मिने करो हां निकल जावे आवरा नी कबड़ी रमनो कोई मन में नी रे जावे तो वे टेम बबूता सिद्ध कई देखो बेली साचा ने कई कहवे अरे के आवो रे साथीना वाया कबड़ी रे मांडो बबू तने कबड़ी
की। सीताराम जी पंचार्य साहब कहता के पुराने छावले जिके कवियों की कल्पना है नी, जिकी धनी आगे ऐसी ऐसी कल्पनाओं करी है, ऐसी ऐसी लीलाओं करी है, पुरानी टाइम में जिके कवि होया वो कविताओं करी जिके रे छावले में एक एक बोले जिके लाख लाख रुपयों रहा है। फणा मैं हमें नुआ नुआ भजन आवेला टेम आवे जाऊं गोल गोल लाडू और जलेबी और पत्ता सार ए छावले आवे हने तो लाडू तो फेरियो गोल गोली जुवे कोई को थे फण नहीं। आजकल डीजे ट्रैक बाजे नी जने एड़ा एड़ा छावले आई जो को जणो मिंद्र मो नग थिंग ना जी, क्योंकि बोलने में कड़ी में अगर भजन नहीं हुए और कड़ी में अगर कल्पना नहीं हुए नी जिते कल्पना आंतरी होनी निकले जिते देवता अरदास होने कोनी। देवता ने नाटक चेटकरी जरूरत कोनी, देवता के मन ने नाटक चेटकरी जरूरत ही कोनी, भाव शुद्ध होनो चाहिए बस। नाटक चेटक को दुनिया रीजी पण देवता को रीजे नी, हर दुनिया रीजियो कई होई देवता रीजे नी जने संगत मेटी और दुनिया रीजी ने टिड़क 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 नाच पर हो जाए वो तो टिड़क पठाने पण देव राजी हुए तो हजारों रो संगत मेटे। तो कविया कल्पना करी यात्रा गोरा खेमदास जी यात्रा मेघवाड़ बाबेरा रिखिया और बाबेरा कमड़िया जिको आ बबूता सिद्धरी जलम पुत्री गाई और बार अबखी बेड़ा में बबूता सिद्धरी लोहनियो जिक टाइम कल्पना करी बा और जाति रो कारण है नहीं शिवरे जिको रा है साई जिको याद करी नी और भगवान जिके गिरे पहुंचिया भक्तों जाति देखकर को पहुंचिया ने भाव देखकर पहुंचिया। तो कभी खेमदास जी कमड़ किसी प्रकार की जन्म पुत्री करी है बबूता सिद्धरी कई मेहमा करी है। देखो भक्तों पहला टाइम में सिंध में मजूरी सिंध तो ही लोग मजूरी करने जावता और खेमदास जी हिंद की ओर मजूरी करने और बटे सिंध रे महीने पाकिस्तान रे महीने खेमदास जी ने जेल में दे दिया और भी पाकिस्तान में जेल में कैद कर दिया। जने खेमदास जी करुणा करी के दादा हमें उबेल करे तो मर्जी थारी है, नहीं पराई धरती है हमें जीव तो गांव को जावण देनी। तो सिंध रे महीने बबूता सिंह ने याद किया और सिंध रे महीने जेल का ताला तोड़ पड़ा और खेमदास ने बारे काटियो और रातों रात गोल गलायो खेमदास हमें गांव बो जाए भाई पर मजदूरी घनी हीती कमी को आउण दो नी थारे हूं। तो बा रिखिया दादे ने अरदास करी और कल्पना करी जने धनी हिलो सुन परार बसदनी आ जाओ ता और पहला कवियों कने साधन कहीं को तो नहीं बाजो डोलक नहीं होता नहीं तो शाफेर एक लड़ खोल परार ऊपर एर हुबराज करता नहीं तो धनी ने आनो पड़तो क्योंकि बा आप रे खातर को बुलाया नहीं पराये इतरे खातर पराये परमार्थ रे खातर ये दादा आ लाश पड़ी है और थारे देवली आगे और थे दादा यार उबेल करो तो मारी पत राख तो दादो ये लो हुण परो दबदनी आ जाओ तो क्योंकि मारा भाव अच्छा अच्छा भक्तों जटे भाव है बड़े भगवान रो पासे और देवता रो पासे है। तो वेटे में बबूता सिद्ध के आओ साथी रा कबड़ी मोंडो बबूते ने कबड़ी रो घणो कोड अगुण आथुना पाला मोंडिया है और संगड़िया साथी जको हाथे रमिया है और रमता रमता जार सूता है और सूता जने बे बाबे रा वचन बे गया के भाई मने सिर्फ क्यों खावे सिर्फ खावे थारी औलाद ने। तो साधु रा वचन अटल वे झूठा कदी को जावे नी और पेणो नाग बबूता सिद्धरी छाती माते बैठ परो और नाडी पाल माते पेणो पी गयो और पी परो और जाओ तो पूछ रो बटीड मारियो जने बबूता सिर चमक उठिया उठता ही केवरे उठो रे साथी रो करो चांदनो देखो बेरी रो घाव लोरे भाईडा मने बनाओ पड़ियो है फुर्ती कर चांदनो करो और देखो मने कोई न कोई जानवर खा गयो। तो बेटे में चांदनो करियो है और पेणे नाग ने जमीन में बरतो देखियो है और देख पुरा और मन में विचार करे ले भाई जीव मरनो तो नेड़ो है जीनो आगो मौत आगे जिके में कोई फर्क नहीं है। अबे ऊंचा चढ़ सीधे देखियो नेणो रो घर अब दूर
डीगा डीगा धोरा है जैसे पेड़ खजूर के लो भाई मारी तो मौत आ गई पण 18 वर्षा की उम्र में बबूता सिंह जी महाराज छोटी उम्र में झरो झरो रोन लाग गया और मन में विचार करे ले भाई जीव जे एड़ो ठावे के काली नडी गया मौत है तो कुटुंब परिवार हागेड़ा मिल रहा उतारे भाई आ मन में रह गई बेटे में बबूता सिंह जी कहीं गवे है शेर सिंह वीर इतो कहता सिद्ध चुप होई बैठया नैणा में ढलायो नीर मामो सारी मिलनेरी मन में रेगी रह गया माता जी रा प्यार मोतो जानियो हंसो घना दिन घूमियो पल में जोगियो त्यार जे मोने ठावे के काली नाडी मारी मौत है तो कुटुंब परिवार भाई भतीजा मिल रहा उतारे भाई इति मन में रेगी आर बबूता सिंह के काली नाडी पर मन दिया समाधि मत दिया मारी देवली ने दाग बिसरे खाईड़ा आवेला जात्री जठे नहीं लागेला बेरी रो डाव आज रे बाद में काली नाडी माते कोई धोक लगाई चाहे कैसो जानवर खा जावे जहरीलो तो भी मिनखरा प्राण को जावे नहीं काली नाडी धोक लगाई जिके में पण मारे शरीर ने थे भाई भाया मिलपुरा और शरीर ने दाग मत दिया ना और मारे शरीर ने हमादी लगा दिया इति भोलावण दे
और बबूता सिद्ध विक्रम समत 1929 भादवा सुधी सातम बुधवारी रात में देवलोक हुए और शरीर छोड़े और बुधवारी रात में जार अपनी माँ ने हेन रूप दर्शन दे दिया। सोलह क्या में बबूता सिद्ध महाराज ऐसा देव होया के 12 दिन और महीने 12 पर्चा दिया। देवलोक होया ने 12 दिन होया नहीं जितने 12 पर्चा दे दिया और रात में बुधवारी रात में खत्म होया और बुधवारी रात नहीं अपनी माँ ने जारी लोग करे और कहीं माँ ने बैठा करे कहीं कहे हर के सपने में सीधी राजा जुनमुख माता।
सबसे दरबार की जय हो। सपने में सिर सुनम गुबार कर रहे हैं माता जी से बात कलिया नाड़ी पर मन विश्वर ऋषियों मां पेणो पी गयो रात ठकराणी जा ठाकर ने जगणिया सुनी बबू तेरी बाणी मोड़े री भीत पर लाल साखियो आ मारे सिधारी सेनाणी बोले ठाकुर एडो हुक्म आयो है कि बबू तेने काली नाड़ी माते पेणो पी गयो आर कोई न कोई समाचार फटाफट मंगाओ। बोले छतराणी जाया थे कायर मत पड़ो राखो इवड़े में डाट। बोले कायर काल दो ठाकरा थर थर कांपे नहीं रेवे इवड़े उलास मारो जीव है आंतरी कड़पे फटाफट कहनी मिलो समाचार मंगाओ। तो बेटे में घरों दमामी जका ने ठाकर मिले आर दमामी ऊंट माते डोल मन पर काली नाड़ी जावे आर ऊंट ने बेटे ने पगर में ने पौन लागे आर दमामी ने सुनमो गोर बबूता सिद्ध सामा मिल आर दर्शन दे आर ऊंट री जान बचावे आर कहे मारे माँ बाप ने कह दी कुटुंब परिवार ने कह दी के बबूते ने काली नाड़ी पर समाधि दे दिया दाग मत दिया ना। मैं कलयुग में सिद्ध पुरुष हूँ भाई पितृभूमियों को नहीं डरिया मती ना थे और दुनिया में परमार्थ और परोपकार खातर देव प्रगट हुए धरती माते। तो वे टेम ठाकर गोमन जी दमामी समाचार देता ही कुटुंब परिवार भाई भतीजा ने लेर नाड़ी पहुंचे आर सोलंकी मिल पर आर के भाई मैं समाधि कहीं हिसाब लगावा आर मैं जात्रा अगनवंशी और अगनवंशी ने अग्नि दाग हुए अग्नि दाग बबूता से ने दियो वे टाइम में आकाशवाणी आवाज हुई के थे मने जे समाधि देता तो थारे पीढ़ी पीढ़ी में सिद्ध होता अजय मारे शरीर ने भस्मी लगा भस्मी यानी जिके ने समाधि लगा दो तो थारे चौथी पीढ़ी में 100 साल वो सिद्ध प्रगट हुई। तो वे टाइम बबूता सिद्धि भस्मी ने समाधि लगाई नाड़ी माते और बबूता सिद्धरा बचने के मादल जी सोलंकी परिवार में 100 साल और चौथी पीढ़ी में एक देव प्रगट हुए। बबूता सिद्धरा भाई शेर सिंह शेर जी रहा अलसी सिंह रहा कौन सिंह रहा नकट बना चौथी पीढ़ी में देव प्रगट हो भक्त आर बबूता सिद्धरे बसता हो या 100 साल हो। बबूता सिद्धरी जन्म पुत्री कहीं खेमदास जी कमर गवे हर कहीं सिद्धर कीर्ति करी कहीं सिद्धर बिनती करी है अर के छठ रे सात मरी रे राता लागे चांद श्याम की नकर सिद्ध बना की
बोले गुंदसर धाम की जय, केवल मात की जय, नरेंद्र बाबे की जय, नकर्षित बना की जय। इसी प्रकार जलम पुत्री कवि खेमदास जी महाराज गाई, स्वर्ग लोगों आई सीधा नेपाल की, सीधा किनो है स्वर्ग में बास, खेमदास जी कमर दस गावे दादा मेथोड़ा चरण रदास, बाबोसा ने मुजरा दीजो मोकला, भाइयों ने दीजो जाजोड़ा जवाड़, भाई श्रृंगारा सिर पर हाथ फेरना मारी, माता जी कड़पेला जारो जार, बोले भगत और भगवान की जय।